तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर हैप्पी डे। तो गाइस यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर हमारे घर पे तो कोई भी नहीं उठे, तो चलो गाइस जल्दी से चलते और यहाँ पर मैं ब्रश भी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मुझको सुबह सुबह का काम भी मिल चुका। तो गाइस आज हम सुबह सुबह कुल्हाड़ी की मदद से हमारे जो बड़े बड़े काठ है उसको छोटे छोटे टुकड़े में करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े काठ तो चूल्हे में घुस नहीं सकते, इसीलिए हमको वो बड़े बड़े काठ को छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ेगा। तो चलो कुल्हाड़ी लेते हैं और फिर चलते हैं। गाइस यहाँ पर तो कुल्हाड़ी हमारे हाथ में तो आ चुकी है, तो चलो इसको लेते हैं और चलते हैं काठ को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए। आज तो हम वुड कटर बन गया। गाइस मैं तो यहाँ पर सुबह सुबह के ठंडे मौसम का ठंडे हवा खाने के लिए मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि सारे काट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद मुझे थोड़ी सी गर्मी भी हुई। मैं देखा कि आज चारों तरफ तो कोहरा हो रखा है, तो थोड़ी सी ठंड भी हो रही, तो मैं सोचा कि तो चलो साइकिल लेकर बाहर थोड़ी सी ठंड होकर आते, इसीलिए मैं साइकिल लेकर आ चुका हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर कैसे चारों तरफ कोहरा भी हो रखा है। तो गाइस यहाँ पर तो दिन के 7:30 बजने ही वाले और यहाँ पर कोहरा तो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म की बात छोड़ो यहाँ पर कोहरा और तेज़ी से बढ़ भी रहा है। तो गाइस देखो, तो गाइस यहाँ पर तो मैं दुकान से शैम्पू लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि आज हमको हमारे साइकिल को साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने से मेरी साइकिल को मैं साफ़ नहीं किया था, इसलिए बहुत तेज़ी से गंदगी लगी हुई थी। तो आज संडे है इसलिए मैं तो हमारे क्लास भी नहीं है, तो इसलिए मैं शैम्पू लेकर आ चुका हूँ हमारी साइकिल को साफ़ करने के लिए। तो गाइस चलो, गाइस यहाँ पर तो मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही, तो चलो खाने के बाद हम चलते हैं साइकिल को साफ़ करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर तो मेरी खाना पीना मुँह धोना सब कुछ हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर तो साइकिल साफ़ करने के लिए यहाँ पर तो शैम्पू की पानी तो रेडी हो चुका है, तो चलो गाइस मैं चलता हूँ साइकिल साफ़ करने के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ साइकिल साफ करने के बाद। तो गाइस यहाँ पर तो मैं मेरी साइकिल को अच्छे तरीके से धो डाल रहा हूँ। देखो गाइस हमारा साइकिल कैसे चमक रहा है। तो गाइस यहाँ पर तो मैं अच्छे तरीके से मेरी साइकिल को धोकर आ चुका हूँ। तो गाइस आज मेरी नाना ने आए हुए हैं मुझको लेने के लिए, तो गाइस यहाँ पर तो 10 बजने वाला है और तो गाइस मैं यहाँ पर रेडी हो चुका मेरे मामा के घर को जाने के लिए। तो गाइस हमारा घर से मेरे मामा का घर बस 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर दिन के 3 बज चुके हैं और मैं अभी हूँ मेरे मामा के बारी पे। तो गाइस मेरे मामा के बारी पे कितने सारे सब्जी उगे हुए हैं, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर कैसे कच्चे टमाटर उगे हुए हैं, और तो गाइस वहाँ पर 2 बैंगन के पेड़ और यहाँ पर हरी मिर्ची के पेड़ और यहाँ पर चारों तरफ साग। तो गाइस यहाँ पर प्याज की पेड़ लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर कद्दू के पेड़ भी लगे हुए हैं और यहाँ पर केला का पेड़। और तो गाइस यहाँ पर देखो मेरे मामा के घर के पीछे है कितने सारे खेत। तो गाइस देखो यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत। तो गाइस यहाँ पर 5:30 बजने वाला है और तो गाइस मैं तो यहाँ पर मेरे मामा के घर से तो आ चुका हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग पे आप लोग देखने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में मेरी मोबाइल की बैक कैमरा की वजह में फ्रंट कैमरा से ब्लॉग बना लिया था, इसी कारण ब्लॉग पे आप लोग को थोड़ी सी अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि जैसे लग रहा होगा मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरा से मेरी वॉइस तो स्पीडी हो जा रहा था मगर मेरे जो बोलने का तरीका वो स्लो हो जा रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ी सी अजीब सा लगा। तो गाइस मैं जो मेरे मामा के घर पे तो गया था वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कितने सारे ब्लॉग बना लिया था, मगर मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वो ब्लॉग पे ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि इसको दिखाना मैं ठीक नहीं होगा। तो गाइस मैं जो अच्छे तरीके से जो मुझे अच्छा लगा तो वो छोटी छोटी ब्लॉग तो मैं आप लोग दिखा लिया और आप लोग तो देख चुके होंगे, आई होप कि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के साथ हैप्पी एंड करना।